आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिन्त्य धीरे धीरे उपराम हो जाए उपराम द्वेष नहीं बैर नहीं हटाना बढ़ना नहीं लाना नहीं लगाना नहीं उपराम उपराम ना राग होता है ना द्वेष होता है ना उसको ठीक समझते ना बेठीक समझते हैं उपराम साथ में लगा द्वितीया और द्वितीय गृहतया बुद्धिया बुद्धि चाहिए धीरे चाहिए साथ में उपराम हो और एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है ऐसा समझ करके कुछ भी चिंतन न करे संसार शरीर इंद्रियों मन बुद्धि आदि के द्वारा कुछ कार्य न करे कुछ न करे चिंतन भी न करे ये एक साधु बहुत विलक्षण है इनसे अपने संबंध विच्छेद कर रहे क्योंकि जो मैं हूं इसमें परमात्मा का अंश वो तो है साक्षात रहने वाला और परमात्मा के सिवाय प्रकृति जो मनुष्य यानी है ये वास्तव में अपनी नहीं है प्रकृति की है इधर शरीर कौन से क्षेत्र है क्षेत्र है उसमें जानने वाला है क्षेत्रज्ञ इन दोनों को मिल करके हम अपनी सत्ता बनी है अपरा और परा प्रकृति उन दोनों के मिलाने से मैंपन हुआ मैं हूँ तो प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध विच्छेद कर दे तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वतः प्रकट हो जाएगा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना नहीं पड़ेगा स्वतः संबंध प्रकट हो जाएगा स्वाभाविक ही हमने जो भूमि से प्रकृति के कार्य के साथ संबंध जोड़ लिया है ये ही वास्तव में परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है उसका वियोग मालूम देता है वही अभी अब अभी वो परमात्मा के साथ हमारा योग वैसा बन रही है सदा से ही है सदा ही रहेगा और सदा है किंतु जिसका हमें संबंध माना संयोग कर लिया जो कि हमारे साथ नहीं है पहले हमारे साथ नहीं था फिर हमारे साथ नहीं रहेगा और अभी हमारे से विमुक्त हो रहा है उसके प्रति जो अपनापन है उसको छोड़ दे जैसे शरीर विज्ञान का गण आदि ये है इसके सिवाय कुटुंब है धन संपत्ति के बहु घर या घर आदि है इन सबके साथ पहले संबंध नहीं था और फिर संबंध रहेगा नहीं और अभी वर्तमान में इनका संबंध विच्छेद हो रहा है जितने दिन हम जी गए हैं उतने दिन तो सही से संबंध हमारा अलग हो गया मिटता है प्रतिदिन मिटता है वियोग हुआ ही तो वियोग पहले था आखिर वियोग अभी वियोग हो रहा है उनका वर्तमान अवस्था में ही हम इस वियोग को स्वीकार कर ले ये सब ये अपना नहीं है ममता में रखे आसक्ति में रखे कामना में रखे इनके साथ में अपना संबंध कुछ न रखे द्वेष न रखे राग भी न करे बैर भी न करे उपरति का ना उपराम का उसको कहते हैं ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है गुणातीत के लक्षण में ये कहा है कि प्रकाश प्रवृत्ति मोहमेव पांडे न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं नवृत्ता निकंसती सात्विक राजसी तामसी वृत्तियां आ जाए तो द्वेष नहीं न आ जाए तो इच्छा नहीं उपरति कोई इच्छा नहीं किंचित वर्तमान तो सबसे उपराम हो जाए अपने तरफ से कुछ करे ही नहीं कुछ भी नहीं करना है हमारा ये कुछ नहीं करना है ये अंतिम साधन है इसके बाद परमात्मा तत्व की प्राप्ति से भी तो करने में प्रकृति का संबंध होगा कुछ भी करोगे तो कर्ण में मन बुद्धि इंद्रिया शरीर के साथ संबंध रखना होगा और इनका संबंध रहने वाला है नहीं तो नहीं रहने वाला संबंध का पहले ही त्याग कर दे अपने मन से अगर इनको कुछ इसका कुछ करना है ही नहीं हम इस संसार के नहीं संसार हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं हम संसार शरीर के नहीं इस वजह से संबंध विच्छेद कुछ न करे एक परमात्मा तत्व है वो आप सामने रह जाएगा
आपका भी स्वरूप आप साफ रह जाएगा। संसार के साथ संबंध विच्छेद करने पर सबकी एक दशा होती है, इस बात इनके साथ कुछ भी संबंध न रहे, फिर कोई भी चिंतन न करे सब हो जाए। ऐसा होने पर मन में कई बातें पैदा होगी, उत्तर बदल होगी, वो उत्तर बदल होगी। किस बात को लेकर? पहले जो हमने काम किया है स्मृति उसको लेकर, अथवा हम जो अगर करना चाहते हैं उसको लेकर, ये दो तरह से होगा। तो पहले कर चुके हैं अभी नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे वो भी अभी नहीं कर रहे हैं, पहले संबंध था वो भी संबंध अभी नहीं है, अगर संबंध होगा वो भी नहीं है, परंतु है का संबंध सुधा है, पहले भी था अगर भी रहेगा अब भी है, तो है उस व्यस्तित्व होकर के और न करे। अब हलचल हो तो हलचल हो तो उसमें ये रखो कि ये नहीं है, कुछ भी याद आए तो ये नहीं है। अब नहीं में क्या राजी क्या महाराज वो बराबर है, पुरानी बात याद आवे कैसी याद आवे, उसमें ना तो रस लेना है ना द्वेष करना है, ना सुख लेना है ना दुखी होना है, ये है नहीं अभी। पुरानी कैसी अच्छी बात हो तो अभी नहीं है, बुरी से बुरी हो तो अभी नहीं है, तो नहीं क्या उलझे, ये उलझे नहीं होती तभी कहते मन चंचल है, मन नहीं ठहरता है, मन का भी संकल्प है क्या करे, मन लगता नहीं है, ये शिकायत यहाँ ही है, लगता नहीं क्या, तो भूत घर भविष्य या भूत का विचार करता है, अरे वो अभी है नहीं, अरे नहीं मैं उलझ करके आफत कर रही हूँ, ये बड़ी भारी आफत क्या कर, मन लगता ही लगता क्या नहीं, वो कहा तो गुरु की बात याद करेगा तो भविष्य भी याद करेगा, यही तो और क्या हुआ। तो पहले बात बीत चुकी है नहीं, अगर होगी वो भी है नहीं, अब नहीं मैं नहीं भूल गया, बस चुप रहे, कितनी उथल पुथल हो जाए कुछ भी याद है, आप उसे न राग करो न द्वेष करो, न प्रसन्न हो न दुखी हो, अपने में है नहीं ये मन बुद्धि में, आप में है नहीं, आपका तो ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है, प्रकाशन स्वरूप है, आधार स्वरूप है, ये आने जाने वाले आगमा पाए मन क्या स्थान स्थिति स्व, भगवान कहते हैं आने जाने वाले ही तुम सहलो, सहने का मतलब निर्विकार रहो, राजदोष मत करो, अक्षर मत करो, राजी महाराजी मत हो। अब आए भी तय तरह की बच्चे आ गई, क्यों काम किया है उसमें संस्कार पड़े तो याद आवेंगे, याद आवेंगे उनके साथ संबंध मत करो, आप सब ठीक हो जाओ, पहले आरंभ में तो कुछ पता नहीं लगेगा, परंतु इस करो तो बड़ी लाभ की बात है।